विरोधी पक्ष के 293 के प्रस्ताव पे मैं अपना मत मानने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि COVID-19 का जो दौर है और उसके अंदर जिस हालत में मुंबई में और महाराष्ट्र में जो पुलिस का जो योगदान है वो काफ़ी सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक राजधानी है और पुलिस जो है, पुलिस फोर्स है, वो किसी भी स्टेट का एक बैकबोन होता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से 293 का प्रस्ताव पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, मुझको समझ में ये नहीं आता है कि एक साल में ऐसे क्या हो गया कि पुलिस फोर्स को इतना डिमोरलाइज काम करने का प्रस्ताव सदन में लाया गया। अध्यक्ष महोदय, सभी MLA इस हाउस में मौजूद है और अगर एक भी MLA का सिक्योरिटी कम करने की बात अगर आती है, एक रेजोल्यूशन पास करवाओ सभी से, एक रेजोल्यूशन पास करा के दीजिए कि सभी का सिक्योरिटी हटा दिया जाए। कल मुख्यमंत्री जी हटा देंगे सिक्योरिटी। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा मनता, तुम्हें ऐसा मनता, पर बातें येतात ना कि दोन लोग सिक्योरिटी काम करना रहा तो सगा अंगावर येतात। कृपा करून असा नको सांगा, पर्सनल ओपिनियन वेगळा आहे, दुसरा वेगळा। अध्यक्ष महोदय, जो माजी MLA है उनका भी अगर सिक्योरिटी कम करने का बात आता है तो फोन आता है कि चलिए जरा बात करके सिक्योरिटी बढ़ाए। पुलिस को डीमोरलाइज करना नहीं चाहिए अध्यक्ष महोदय, और खास करके ऐसे वक्त में जब तकरीबन 641 पुलिस वालों ने अपनी जान देके रास्ते पर ड्यूटी की कोरोना और COVID-19 के अंदर, ताकि लोगों को सुरक्षा दी जाए। अध्यक्ष महोदय, पूरे सब लोगों ने देखा कि जिस परिस्थिति में मुंबई और महाराष्ट्र का पुलिस ने इस COVID-19 के अंदर काम किया है, उनको हर एक आदमी को यहाँ असेंबली में आशीष चेला जी खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। अपने जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए 24 घंटा मुंबई की सड़कों पर और महाराष्ट्र के गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने, खास करके हमारे राणा जी गए लगता, रवि राणा जी वहां पर बैठे हुए, उन्होंने बताया कि उनके पास कोई डेटा है, मगर मेरे पास ऑफिशियल डेटा है राणा जी, मैं कॉपी आपको दे सकता हूं शाम के अंदर, लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट आज का, मैं आपके पास कल का हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, 2020 के अंदर 11.10% केस के अंदर कमी हुई है, ड्रॉप इन क्रिमिनल एक्टिविटी केस। महिलाओं के अत्याचार के ऊपर अध्यक्ष महोदय 15.68% केस में गिरावट हुई है। जो रेप केस है उसके अंदर गिरावट है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस का और पब्लिक का काम है कम्युनल हार्मी बना के रखना, आपस में एक दूसरों को मिलाकर रखना, और इसके अंदर पुलिस ने बहुत बड़ा यश हासिल किया। अध्यक्ष महोदय, पिछले जब से महा विकास आघाड़ी की सरकार आई है मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर, ऊपर वाले की मेहरबानी से कोई भी बड़ा जाति दंगा नहीं हुआ है। यह पुलिस का एक बहुत बड़ा यश है, आपस में दोनों सब कम्युनिटी को मिला के साथ में चलने का काम, ये पुलिस का काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे पहला भी बताया गया है कि बहुत अच्छे डिसीजन डिपार्टमेंट ने लिया है, मैं उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, और खास करके अनिल देशमुख जो हमारे होम मिनिस्टर, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पुलिस को ताकत देने के लिए, पुलिस बल को पाठिंबा देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, 1,00,000 घर पुलिस वालों के लिए बनाने के लिए जो डिसीजन है वो आने वाले दिनों में इसका बड़ा फायदा होगा। आज के दौर में मैं किसी गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, आशीष चेला जी, ये 12वां साल है मेरा इस सभागृह के अंदर, हर बार मैंने पुलिस को पाठिंबा दिया है, क्योंकि जिस परिस्थिति में, जिस हाउसिंग के अंदर पुलिस रहती है उसको सुधार होना चाहिए, उनके मेडिकल के लिए, उनके बच्चों के लिए सुधार होना चाहिए, उनके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उनके एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, मगर पुलिस अपनी जगह पर कायम रहती है। अध्यक्ष महोदय, जो बहुत बड़ा देश को जिस तरह से टेररिज्म से खतरा है,
उसी तरह से देश को ड्रग से खतरा है, क्योंकि आने वाली नस्ल को खराब करने का काम, आने वाली नस्ल को, आने वाली जनरेशन को डिस्ट्रॉय करने का काम ये ड्रग्स करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझको बेहद खुशी है आपके सामने ये कहते हुए कि पिछले 18 फरवरी को मेरे मतदार संघ में डोंगरी पुलिस स्टेशन के अंदर एक ड्रग्स का रेड हुआ, जिसमें सिर्फ 12 ग्राम ओनली 12 ग्राम MD बरामद हुआ, सिर्फ 12 ग्राम। नॉर्मल केस में उस केस को 12 ग्राम MD मिलने के बाद में क्लोज कर दिया जाता, मगर ये मुंबई पुलिस, पुलिस कमिश्नर, उनके सारे जॉइंट कमिश्नर, DCP, ACP, सीनियर इंस्पेक्टर, मैडम, अध्यक्ष महोदय लेडी मैडम है वहां पर, एक लेडी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, PI सीनियर PI शबाना शेख, उनको डाउट आया कि ये कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड का काम है। और अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय अनिल देशमुख जी, यानी अमित देशमुख साहब बैठे, अमित देशमुख जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आप नोट कीजिए कि डोंगरी पुलिस स्टेशन को और उसकी सीनियर PI शबाना शेख और उनके सभी लोगों को उनका नाम प्रेसिडेंट मेडल के लिए भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए? कि वो 12 ग्राम MD पकड़ने के बाद में उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर गया और नई मुंबई में 54 ग्राम MD मिला। उस केस को आगे ले जाने के बाद में वाकोला पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन से उन्होंने 25 किलो MD उसको बरामद किया। अध्यक्ष महोदय, आप सोचिए ये 25 किलो MD अगर बाजार में जाकर बिकता तो कितने जीवन नष्ट हो जाते, कितनी फैमिली नष्ट हो जाती। मेरे आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल मिनिस्टर अनिल देशमुख से रिक्वेस्ट है कि डोंगरी पुलिस स्टेशन की सीनियर इंस्पेक्टर शबाना शेख और उसकी पूरी टीम को उनका नाम पुलिस मेडल के लिए भेजना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही पहले नंबर के प्रश्न पे अबू हाशिम आजमी साहब ने प्रश्न लिया था और उसके अंदर होम मिनिस्टर ने कहा कि ड्रग्स के लिए स्पेशल ड्राइव पूरे महाराष्ट्र में किया जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ अनिल देशमुख साहब को कि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे आने वाले दिनों में ड्रग्स करने वालों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, मगर एक बात जो है कि ये जो एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट है, इसके अंदर चेंजेस बहुत जरूरी है। इससे पहले भी मैंने आपके माध्यम से इस हाउस के अंदर उस वक्त के होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया था कि हमको सेंट्रल को लिखकर भेजना चाहिए कि हम जो ये जो प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है, जो जैसे कॉरेक्स है और आयोडेक्स है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए एक्ट में चेंजेस होने चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अध्यक्ष महोदय कि ये जो चेंजेस है वो हमको सेंटर से करवा के लेने चाहिए, ताकि जो यंग जनरेशन जो सस्ता नशा जैसे आयोडेक्स है, कॉरेक्स है इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सबने बताया और मैं भी इस बात को जानता हूँ कि साइबर क्राइम में बहुत बड़ी तेजी आ रही है और हर तरह का फ्रॉड हो रहा है, तो साइबर क्राइम को कंट्रोल तो किया जाए, मैं और कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसके अंदर कदम उठाने चाहिए। जैसा कि मैंने पुलिस बताया, मैंने बताया कि पुलिस हाउसिंग के लिए एक हमको बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अध्यक्ष महोदय, मेरे मतदार संघ में हमारे यहाँ जो पुलिस की जो क्वार्टर्स है, जो पुलिस की बिल्डिंग है, वो थोड़ी डिलिबरेट कंडीशन में, मैं अनिल देशमुख साहब मौजूद है इस वक्त सदन के अंदर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। मंत्री महोदय जी, जरा एक मिनट, संभू जी एक मिनट, मांडवी के अंदर जो पुलिस क्वार्टर है, मुंबई सेंट्रल BIT के अंदर पुलिस क्वार्टर है, MT के पुलिस क्वार्टर है, मेरा मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि एक दिन मेरे साथ में उन पुलिस क्वार्टर को विजिट करें, वहाँ कर जाकर उनको देखें और उनको आश्वासन दे कि आने वाले दिनों में इसका रीडेवलपमेंट होगा और उनको अच्छे घर मिलेंगे, ताकि पुलिस लोग जो है अच्छी तरह से अपना काम कर सके। करना चाहिए, मगर मेरा फर्ज बनता है, मेरा फर्ज ये बनता है कि सबसे पहले अपने घर को संभाल के रखना चाहिए। तो मेरे मतदार संघ के अंदर मैं ले जाता हूँ, आप जिस दिन चाहो अपने मतदार संघ में भी ले जा सकते हो। अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक मुद्दा जो है बहुत बड़ा है कि मुंबई के अंदर 16,000 सेस बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग डेवलप्ड कंडीशन में। अध्यक्ष महोदय, उसका रीडेवलपमेंट रिपेयर होना बहुत जरूरी है। मैं महाविकास आघाड़ी सरकार का, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और खास करके हमारे जितेंद्र आवाड़ जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हाउसिंग को लेकर लिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जो रिपेयर की लिमिट थी उसको 3,000 से 4,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर किया गया है, उसके वजह से बहुत सारी बिल्डिंगों को रिपेयर करने की परमिशन मिलेगी।
जो पुरानी जर्जर इमारत है उनको डेवलपमेंट प्रीमियम कम किया गया है, स्टैंप ड्यूटी कम किया गया, और सबसे बड़ा जो काम किया गया अध्यक्ष महोदय कि जो माडा एनओसी देने के बाद में माडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती थी उसको रद्द करके अगर कोई भी बिल्डिंग डिलेपेड कंडीशन में है तो अगर उसको एनओसी दी गई भी है, बिल्डर अगर उसको रिडेवलप नहीं भी करता है तो उसकी माडा की जवाबदारी की रिपेयर करने के लिए मेरी मंत्री महोदय जितेंद्र अवार्ड जी से एक डिमांड है कि ये जो एक्ट इन्होंने बनाया है कि माडा को एनओसी देने के बाद भी माडा उस बिल्डिंग को रिपेयर करेगी, उसके ऊपर ध्यान देके जो बिल्डिंग एनओसी देने के बाद में डिलिबरेट कंडीशन में उसको फौरन रिपेयर करना चाहिए, ऐसी मेरी सदन से मांग है। अध्यक्ष महोदय 2014 में जब पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस सदन के अंदर एक ऐलान किया था कि जो माडा का रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन का जो फंड है उसको हम 100 करोड़ से 200 करोड़ करते हैं। अध्यक्ष महोदय मुझको बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 6 साल के अंदर माडा को वो पैसा नहीं मिला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि माडा को पुरानी बिल्डिंगों को रिपेयर और रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए का फंड इस बजट में माडा को देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय 33.7, 33.9 में जो रिडेवलपमेंट होता है और अभी 33.7.1A के अंदर सबब के अंदर भी रिडेवलपमेंट पुरानी बिल्डिंगों का होता है। अध्यक्ष महोदय कमाडीपुरा रिडेवलपमेंट के लिए जितेंद्र अवार्ड जी खुद हाउसिंग सेक्रेटरी माडा के सीईओ सब ने विजिट किया था एक तकरीबन 1 साल पहले और उन्होंने आश्वासन दिया था कि माडा एज ए नोडल एजेंसी इन्वॉल्व होके कमाडीपुरा के अंदर उन हजारों घर जो डेवलप्ड कंडीशन में उसको रीडेवलपमेंट का काम सरकार अपने हाथ में लेंगी। आपके माध्यम से मैं जानता हूं कि कोरोना का दौर था, कोविड-19 था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो नहीं सकता था, मगर आज आने वाले दिनों के अंदर माडा को नोडल एजेंसी अपॉइंट करके कमाडीपुरा रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने फौरन हाथ में लेना चाहिए और जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट की शुरुआत होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मुंबई के लिए उस वक्त 100 करोड़ रुपया दिया था जिससे PMGP की बिल्डिंगें बनी थी और पूरे मुंबई के अंदर वो बिल्डिंग है, मेरे मतदार संघ में है, धारावी के अंदर है, कोलाबा के अंदर है, अलग 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 जगह पे ये बिल्डिंग है। अध्यक्ष महोदय पृथ्वीराज चौहान साहब ने उस वक्त 125 करोड़ रुपया स्पेशल ग्रांट बोल के 5 साल के अंदर हर साल 25 करोड़ रुपया इन बिल्डिंगों पे खर्चा करने के दिया था, तकरीबन वो पैसा खत्म होने आए। मेरी आपके माध्यम से आदरणीय अजीत दादा पवार जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उनसे रिक्वेस्ट है कि इस बजट के अंदर दूसरा 100 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर ग्रैंड प्रोजेक्ट PMGP की जो 700 बिल्डिंग है उनको रिपेयर के लिए दिया जाए और 33.7 और 33.9 के अंदर एक 10 मिनट और लगेंगे, बस 10 मिनट खत्म कर दूंगा, 10 मिनट खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय मुंबई की बात है, मुंबई से आपको फंड इतना पैसा टैक्स आता है और आप मुंबई का ध्यान न रखें, बेल बजाएंगे अध्यक्ष महोदय तो फिर चलेगा काम कैसे? नहीं नहीं सम्मान सदस्य आप अंदर इतना वे अपन घू शकत नहीं, 2 मिनट तो आप 2 मिनट दे, 8 मिनट मधी, 2 मिनट मधी खत्म कर दो, 2 मिनट, 8 मिनट मधी सर। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा मैनिफेस्टो के अंदर ज्वाइंट इसके अंदर है कि हम 500 फुट का घर मुंबई के लोगों को देंगे तो आने वाले दिनों में 500 फुट का घर मुंबई को लोगों को देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय आखिरी मुद्दा मैं अपना लेके, मुद्दे तो बहुत है मगर मैं जानता हूँ कि वक्त की कमी है। अध्यक्ष महोदय महा विकास अघाड़ी ने कोविड-19 के अंदर कंट्रोल करने के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया है। बार बार मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों में सरकार पर काफ़ी उंगली उठाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय ये एक रिपोर्ट है, योगेश सागर जी ये वही रिपोर्ट है जिसने बताया था कि आप मुंबई के एक अच्छे आमदार हो, उस रिपोर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। योगेश सागर जी आते एक दो तीन साल थे मैं भी रहा। अध्यक्ष महोदय इस रिपोर्ट के अंदर जो की फाइंडिंग बता रहा है, जो टोटल सर्वे हुआ उसके अंदर जो लोग कोविड से पीड़ित थे 39% लोग 39% लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट दिया गया, यह महा विकास अघाड़ी सरकार की ओर से। 61% लोगों को जो कोविड का ट्रीटमेंट दिया गया है उनको 10,000 रुपए से कम खर्चा आया है। अध्यक्ष महोदय इस रिपोर्ट से साबित होता है कि महा विकास अघाड़ी सरकार ने कोविड को हैंडल करने के अंदर कितनी सावधानी बरती। अध्यक्ष महोदय उसमें एजुकेशन के ऊपर बात आती है कि जब एजुकेशन कोविड था और जब एजुकेशन था
उसके अंदर 64% लोगों ने 64% लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करके उसका एजुकेशन लिया है और 97% जो है ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन के अंदर बच्चों ने अटेंड किए। अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा इसके अंदर है। दूसरी इसमें रिपोर्ट ये भी बता रही है अध्यक्ष महोदय कि 82% लोगों ने स्कूल के अंदर सही तरह से लोगों को एजुकेशन दिया है। 79% टीचरों ने 79% टीचरों ने बच्चों को सही तरह से पढ़ा और 81% जो है प्राइवेट है और 72% पब्लिक स्कूल के टीचर। अध्यक्ष महोदय, ये रिपोर्ट आपके सामने रखने का मतलब ही ये था कि जो कोविड को जिस तरह से हैंडल किया गया, हर तरह से वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ट्रीटमेंट हो, इसके अंदर बहुत सारा ध्यान रखा गया है। और मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के अंदर अध्यक्ष महोदय, बहुत शुरुआत में इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि जब पिछले 14 मार्च को इस असेंबली खत्म हुई थी सुधीर मुंगेटवार जी, जब भय का वातावरण था, लोग डरे हुए थे कि इस कोविड को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज इसके अंदर असफल रहे थे। मगर मुझको आज यहाँ कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया गया, जिसके अंदर मुंबई के अंदर अध्यक्ष महोदय बड़े बड़े एनजीओ सामने आकर के, फिर रिलायंस हो, गोदरेज, आरती इंडस्ट्रीज, नरोत्तम सक्सेना फाउंडेशन, सलाम मुंबई मेट्रो, तमाम लोगों ने आकर के मुंबई के अंदर एनजीओ ने गवर्नमेंट के साथ मिल करके बड़े बड़े सेंटर के, खास करके मैं इस वक्त नाम लेना चाहता हूँ मिलिंद देवरा जी का, जिन्होंने मुंबई के अंदर नजमबाग के अंदर, रिचर्डसन के अंदर, तुलसीवाड़ी के अंदर बड़े बड़े सेंटर्स बनाए, जिसके वजह से खास करके दक्षिण मुंबई के लोगों को बड़ा फायदा हुआ। अध्यक्ष महोदय, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन बैंक बनाए गए ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। और जैसा कि मैंने बात बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं, मगर मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, खास करके जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उन्होंने लोगों को एक अच्छी ट्रीटमेंट दी, उनके डॉक्टरों ने रात दिन काम किया। मैंने उनका नाम लिया हूँ और कुछ डॉक्टर्स का नाम नहीं ले पाया हूँ, मैं सभी डॉक्टर्स के बारे में आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रात दिन एक करके लोगों की जान बचाई है। अध्यक्ष महोदय, देवनाथ डंपिंग ग्राउंड का एक इशू है, तो बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, सरकार ने उसको इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए। एक देवनार आर्बिट्रेट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट उसको मॉडर्नाइज करना चाहती है, देवनार का कत्लखाना उसको जल्दी से जल्द करना चाहिए, धारावी रीडेवलपमेंट के लिए जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वहाँ पे घर के साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि टाइम की कमी, मेरे मुद्दे बहुत हैं, मगर मैं और हमारे जो साथी हैं उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।